प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। SSMST सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं DED केंद्र कुचाना कला द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। मैं सर्वेश कुमार आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आपके लिए मैं जो विषय पढ़ाऊँगा वो विषय है DE105 जिसका कोड है और विषय है गणित शिक्षण का शिक्षा शास्त्र अर्थात प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी पहली यूनिट के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं और सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूँ कि सभी हमारी जो क्लास शुरू होती है 10 बजे से उसमें सभी जुड़ें और बारी बारी से सभी अध्यापकों की जो पीरियड्स हैं घंटी हैं उनमें जुड़ें और ज्ञान ग्रहण करें। तो हमारी जो पहली यूनिट है उसका पहला पार्ट है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो है गणितीय ज्ञान के बारे में परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव अबाउट मैथमेटिक्स नॉलेज, गणित की प्रकृति एवं महत्व नेचर एंड इम्पोर्टेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले जानेंगे गणित क्या है, व्हाट इज दी मैथमेटिक्स। हमारे जीवन के हर पहलू से गणित जुड़ा हुआ है। हम अपने दैनिक जीवन को सुचारू रूप से यदि जीना है तो हमें गणित की आवश्यकता होती ही होती है और यही कारण है कि प्राइमरी क्लासेस में लैंग्वेज के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही विषय पढ़ाया जाता है वो है गणित, क्योंकि बिना गणित के हम लैंग्वेज भी नहीं पढ़ सकते, किसी विषय को भी नहीं पढ़ सकते। तो इतने महत्वपूर्ण विषय को जानने से पहले हमें इसकी परिभाषा, इसका महत्व एवं इसकी प्रकृति के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो अलग अलग विद्वानों ने गणित को अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। कोई इसे गणनाओं का विज्ञान कहता है, कोई संख्याओं एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं तथा कोई मापन मापतौल और दिशा आकार विज्ञान आकार प्रकार के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। लेकिन सामान्य अर्थों में गणित का आशय उस शास्त्र से है जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो, अर्थात गणित अंक अक्षर तथा चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिणाम दिशा और स्थान आदि का अच्छी तरह से बोध होता है। तो इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। गणित लैटिन भाषा के शब्द मैथमेटिक्स का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है सीखने योग्य वस्तुओं से। तो यानी जो सीखने योग्य वस्तु हैं उसी को हम गणित के रूप में जानते हैं। वस्तुतः गणित एक ऐसा विषय है जिसका उपयोग न केवल जीवन के हर पहलू में होता है बल्कि पढ़ाई जाने वाले सभी विषयों में भी गणित की आवश्यकता होती है। तो अब हम कुछ परिभाषाएं जानेंगे, अक्षर से एवं नाम से परिभाषाओं को जानते हैं। तो जो लॉग है, लॉग के अनुसार जो गणित की परिभाषा है वो इस प्रकार है। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यानी गणित के द्वारा जो विद्यार्थी हैं उनके मन में तर्क शक्ति का विकास होता है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे दिमागी जो कसरत है वह गणित कराता है, यानी गणित हमारे दिमाग को शार्प बनाता है। मार्शल के अनुसार गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है तथा तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी हम अमूर्त विचारों के द्वारा मूर्त वस्तुओं पर पहुंचते हैं, किसके माध्यम से, गणित के माध्यम से, ये मार्शल कहते हैं। आइंस्टाइन के अनुसार गणित मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। हॉगवेन के अनुसार गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, अर्थात कोई भी देश कोई भी राष्ट्र तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि उसके नागरिक गणित में पारंगत न हो। बिना गणित के हमारा राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता, इसलिए प्रत्येक नागरिक को गणित का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है।
नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यदि गणित उन्नति करता है तो हमारा देश भी उन्नति करेगा। कोई भी देश अपनी जनसंख्या की गणना करने के लिए, और जनसंख्या की गणना है तो उनको क्या सुविधाएं देनी है, कितनी सुविधाएं देनी है, उस पर कितनी धन खर्च होगा, किस प्रकार के आयामों को मिलाना है, वह बिना गणित की गणना के। रोजन बैगन के अनुसार गणित की शिक्षा मुख्य रूप में एक कुंजी है, यानी यह हमारी शिक्षा का द्वार है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो गणित है वो एक ऐसा वृक्ष है कि अन्य विषय जो है वो इसकी शाखाएं हैं। तो उपरोक्त जो परिभाषाएं थी उनके अनुसार गणित के संबंध में हम कह सकते हैं कि गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है, यानी जो गणित है वो स्थान और संख्याओं का विज्ञान है। गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित मापतौल तथा दिशा का विज्ञान है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध संगठित तथा यथार्थ शाखा है। तो इस प्रकार से हम गणित की जो अवधारणा है उसके बारे में जान सकते हैं। अब हम जानेंगे गणित की प्रकृति क्या है, यानी जो गणित है उसकी प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो गणित की जो प्रकृति है, गणित ऐसा विषय है सभी स्कूली विषयों में सबसे अलग ही इसकी भूमिका है, क्योंकि इसके बिना हम अन्य विषयों को नहीं पढ़ सकते। और आमतौर पर बहुत सारे विद्यार्थियों को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि गणित जो विषय है वो मेरे समझ में ही नहीं आया। इस प्रकार से हम कहें कि गणित की प्रकृति है वो स्पष्ट है, एक ऐसी प्रकृति धारण करता है कि इसमें जो परिणाम है वो निश्चित होते हैं, अनिश्चितता की संभावना नहीं होती। परिणाम जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, यानी इनके जो प्रश्न होगा उसका उत्तर निश्चित होगा। तो आज के लिए मेरे विद्यार्थियों इतना ही, आगे हम और डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित यदि किसी को कोई समस्या हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो हमारा जो ग्रुप है उसी पर अपनी बात मैसेज के द्वारा या ऑडियो क्लिप के द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।